फाइनली वो दिन आ गया जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद भारत और भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. अब हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा देश भारत मून तक पहुंच गया है, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं है बल्कि हम मून के उस हिस्से पर उतरे हैं जिस पर आज तक अमेरिका भी नहीं उतर पाया था। पर 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर इसरो ने विक्रम लैंडर के जरिए मून के साउथ पोल पर एक सक्सेसफुली लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस बार लैंडिंग फेज के पाथ पे जाते हुए विक्रम लैंडर थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हुआ। और अब हम भी ये कह सकते हैं कि हमने भी स्पेस में कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, और इस चीज में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे नहीं बल्कि पहले नंबर पे आते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ से 384,400 किलोमीटर दूर मून सरफेस पर मौजूद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट से रिलेटेड डेटा इसरो तक कैसे पहुंचाता है, या फिर इसरो इतने दूर से प्रज्ञान रोवर को कैसे कंट्रोल करेगी? वेल हेलो गाइज, मैं हूँ रोशन झा, और चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बट ये बात काफी हैरान कर देती है कि मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका विक्रम लैंडर 384,000 किलोमीटर दूर से ही इसरो के IDSN से कंट्रोल बनाए हुए है और लगातार एक्सपेरिमेंट के इंफॉर्मेशन भेज रहा है। लेट्स एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 फ्रॉम अर्थ टू मून सरफेस। तो 14 जुलाई को LVM3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जहां लॉन्च के केवल 20 मिनट बाद ही इसरो के इस ताकतवर रॉकेट ने इसे अर्थ के प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जिसके बाद सबसे पहले चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बड़ा किया और फाइनली 1 अगस्त को लूना ऑर्बिट एक्सटेंशन परफॉर्म करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर अपने डेस्टिनेशन मून की ओर बढ़ गया। यहाँ भी 5 अगस्त को मून के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पहुंचा और इसने धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को छोटा किया, और जब इसका ऑर्बिट इस लायक हो गया कि मून पर लैंड कर सके, तब 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ, जिसकी सेपरेशन वीडियो इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड भी की थी, जिसमें हम विक्रम लैंडर द्वारा मून के सरफेस की करीब से खींची गई पिक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हमें उसकी सरफेस पर मौजूद कई फेमस क्रिएटर देखने को मिल जाते हैं। वैसे कितनी गर्व की बात है ना, साइकिल से शुरू हुआ इसरो का ये सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, और फिर इसने अपनी जर्नी मून के साउथ पोल की ओर स्टार्ट की। 23 अगस्त शाम को 6:04 पर विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर दी, और इस तरह इसरो ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद ही इतिहास रच दिया। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, हाउ डज चंद्रयान 3 कम्युनिकेट विद इसरो। देखो, चंद्रयान 3 की इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन 2 फेज में पूरा होता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द जर्नी, जो कि अर्थ से चांद तक के बीच का रास्ता होता है। नंबर 2, कम्युनिकेटर आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, यानी अर्थ से चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद इसरो और विक्रम लैंडर के बीच होने वाला कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफर। तो देखो, चंद्रयान 3 के फर्स्ट फेज की शुरुआत 14 जुलाई को इसके लॉन्च के बाद ही शुरू हो गई थी, जब चंद्रयान 3 ने अपने LVM3 रॉकेट के साथ आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। अब उस समय भी ये लगातार इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि ISRO के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, जिसमें टोटल 3 सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन बनाए हुए थे, जिसमें इसरो का आईडीएसएन नेटवर्क अर्थ के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद इंसेट यानी कि इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम के कॉन्टैक्ट में था, और फिर ये सैटेलाइट सीधा चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन बनाए हुए था। पर ये कम्युनिकेशन तभी तक रहा जब तक चंद्रयान 3 उड़ान के बाद अर्थ के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पहुंच नहीं गया, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सीधा इसरो के आईडीएसएन नेटवर्क से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, और फिर 17 अगस्त को विक्रम लैंडर के मून के ऑर्बिट में प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेशन के बाद से ही अब विक्रम लैंडर खुद भी इसरो के आईडीएसएन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। अब देखो, स्पेस में भेजी जाने वाले स्पेस क्राफ्ट में अर्थ से कनेक्ट करने के लिए ज्यादातर TTC एंटीनास का प्रयोग किया जाता है, और देखो चंद्रयान 3 में भी इन्हीं एंटीनास का प्रयोग किया गया है, जिसमें TTC का मतलब होता है टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंटीनास, जहां टेलीमेट्री का मतलब ऐसे एंटीनास से होता है जो स्पेस क्राफ्ट की हेल्थ, बैटरी लेवल, फ्यूल लेवल, थ्रस्ट लेवल का सारा डेटा स्पेस एजेंसी के डीप स्पेस नेटवर्क में भेजता है। अब ट्रैकिंग एंटीना, जैसा कि नाम से ही
पता चल रहा है कि ये एंटीना स्पेस क्राफ्ट की ट्रैकिंग रिलेटेड डेटा को स्पेस एजेंसी के साथ रियल टाइम में शेयर करता रहता है, जैसे कि एग्जैक्ट वेलोसिटी और करंट लोकेशन क्या है। और अगर आपने भी साल 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग वाला वो लाइव ग्राफ देखा होगा ना, वो ग्राफ भी चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा सेंड की गई रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा पर ही बेस्ड है। इससे लैंडर के मून सरफेस पे क्रैश होने के बाद उसके एंटीनास के डिस्ट्रॉय हो जाने पर लैंडर से डेटा मिलना बंद हो जाता है और हमारा कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। अब देखो, इसके बाद आता है कमांड एंटीना। और ये वर्ड ही सिंपल है कि ये एंटीना एक रिमोट कंट्रोल की तरह है जो स्पेस एजेंसी द्वारा भेजी गई कोई भी कमांड को स्पेस क्राफ्ट में रिसीव या अप्लाई करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी इसरो चंद्रयान 3 के डायरेक्शन या स्पीड में चेंज करना चाह रहा है तो उसे ये कमांड अपने कंप्यूटर को देनी होगी, जो इस कमांड को आईडीएसएन नेटवर्क को सेंड करेगा और आईडीएसएन नेटवर्क इस कमांड को चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट में टीटीसी एंटीना तक भेजेगा, और फिर जिसे टीटीसी एंटीना रिसीव करके स्पेस क्राफ्ट की डायरेक्शन और स्पीड इसरो की कमांड के मुताबिक चेंज कर देगा और इस तरह इसरो के सारे कमांड को चंद्रयान 3 पूरा करेगा। ऐसे ये काफी इंटरेस्टिंग बात है ना, तो क्यों ना इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दिया जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।